दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर आपको अस्थमा की शिकायत है, चाहे बच्चों को हो चाहे बड़ों को हो, महिला पुरुष कोई भी इस नुस्खे का उपयोग करके अस्थमा की शिकायत है या फिर सांस लेने में तकलीफ है, जल्दी सांस चढ़ जाते हैं थोड़ा सा चलते ही, तो आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। गारंटीड से बोल रहा हूं दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी इस नुस्खे का साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार ट्राई करके जरूर देखना। एलोपैथिक मेडिसिन खाने से पहले इस नुस्खे का उपयोग करके आप जरूर देखना अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है या फिर आपको अस्थमा की शिकायत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए हमने आपको बताया क्या है। पहली बात तो दोस्तों, जिसको सांस लेने में तकलीफ है जरूरी नहीं है कि उसको अस्थमा ही है, ठीक है, वो भी इस नुस्खे का उपयोग कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ते सांस चढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी सांस फूल जाती है उनकी, वो भी इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। और अस्थमा में तो दोस्तों यह नुस्खा रामबाण औषधि है। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, मोर पंख आती है, मोर पंख की एक भस्म आती है, पंसारी की दुकान पर आप जाइए मिल जाएगी आपको। मोर पंख भस्म ले आइए, थोड़ा सा सुहागा ले आइए, और मोर पंख भस्म को और सुहागे को थोड़ा सा मिला के और उसके अंदर शहद डाल लीजिए। मोर पंख भस्म, थोड़ा सा सुहागा, उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच आप शहद डाल लीजिए, और हर रोज सुबह खाली पेट इसको चाट लीजिए। 1 चम्मच आपका या 2 चम्मच आप शहद डालोगे तो 2 चम्मच बन जाएगी, 1 चम्मच शहद डालोगे तो 1 चम्मच बन जाएगी। आप 1 चम्मच सुबह चाट लीजिए, 1 चम्मच शाम को चाट लीजिए, दोस्तों 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, और इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। जैसे अंग्रेजी दवाई काम करती है ना, ऐसे आपको रिजल्ट मिलेगा इस नुस्खे का, ठीक है। मोर पंख भस्म आप खुद भी बना सकते हो अपने घर पर। जो मोर की पंख होती है उसका अगला हिस्सा काटिए, किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर रखिए, ऊपर से उस सील कर दीजिए मिट्टी के बर्तन को, और धीमी धीमी आंच पर आप उसको जलाते रहिए। मतलब थोड़ी देर के बाद आपको भस्म मिल जाएगी, मतलब मोर पंख की वो भस्म आप खुद भी तैयार कर सकते हो। उसके अंदर थोड़ा सा सुहागा डाला, थोड़ा सा शहद डाला, अच्छे से मिलाया और चाट लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको कुछ परहेज करने होंगे दोस्तों। ये नुस्खा आप कितने भी दिन तक उपयोग कर सकते हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। परहेज आपको कुछ करने होंगे, ठंडी चीजों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी है, और अस्थमा के रोगी के लिए या फिर सांस लेने लेने में जिसको तकलीफ है उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होती है धूल मिट्टी, जो वातावरण प्रदूषित वातावरण होता है वो। तो हमेशा अपने फेस पर मैं अपने मुंह पर मास्क लगा के रखे, जब भी आप बाहर निकलते हैं धूल भरे वातावरण से जितना बचोगे उतना बढ़िया, और ठंडी चीजों का आपको परहेज रखना है, और इस नुस्खे का उपयोग कीजिए। अंग्रेजी दवाई आपको क्यों खानी है, पहले आप नुस्खा उपयोग तो कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा बिना साइड इफेक्ट के, बिना पैसे, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, और कोई भी इस नुस्खे का उपयोग कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बच्चों को भी ये शिकायत होती है, तो वो भी इस नुस्खे का उपयोग करके अपनी अस्थमा की बीमारी का, फिर सांस लेने की तकलीफ जिसको होती है वो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं इस नुस्खे का उपयोग करके। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है इसके ऊपर ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए जो साइड में, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, अपने फेसबुक के ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आपसे शेयर किया जाए वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अगर आपके कोई भी सवाल है जो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। फेसबुक पेज को भी आप लाइक फॉलो जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।